लेट्स मेक दिस गरबा नाइट स्पेशल विद मी। कैसे? बताती हूँ। देखो, आप में से बहुत से लोगों को गरबा जाने की इच्छा तो बहुत होगी, लेकिन गरबा जाने के लिए हेयर एक्सेसरीज, बैंगल्स ये कहाँ से लाए? तो हियर्स द आइडिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक थिक वायर लिया मैंने और उससे मैं बनाने जा रही हूँ आज हेयर बैंड, जिसे बनाना बहुत इजी है। तो आपको लेना है एक थिक वायर, अच्छे से उसको कर्वी शेप देनी है, लाइक आपके हेड में अच्छे से इंसर्ट हो जाए। फिर दोनों एंड्स के ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया ग्लू स्टिक ताकि लगे नहीं हमें, और फिर हमें इस वायर के ऊपर ग्लू स्टिक लगानी है और वन बाय वन इस पे कर्वी शेयर लगाते जाना है। चलो यूट्यूब आर्मी, जल्दी से जो भी चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से निकल के आता है, और ये सच में बहुत ऑसम है, और गरबा नाइट के लिए तो ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, और ये आपका लुक और भी एनहांस कर सकता है। तो यू मस्ट ट्राई दिस एट योर होम। इतनी सारी वेस्ट स्टूडियो को मेरी मम्मी तो फेंकने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे कुछ बनाया जाए गरबा नाइट के लिए, कुछ स्पेशल भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बैंगल और साथ ही में लिया है मोटा सिल्क थ्रेड। अब इसको धीरे धीरे राउंड राउंड लपेटना स्टार्ट करेंगे। अरे रुको रुको, मिरर्स तो लगा लो। तो मैंने यहाँ पे यूज करे स्क्वायर मिरर जो पूरे बैंगल को कवर कर रहा है अच्छे से। Now you can see the magic. देखो क्या से क्या बना डाला मैंने, और ये सच में पहनने के बाद तो और भी सुंदर लग रहा है। And you can see also in my hand, it looks so pretty, yeah. Hi. तो आप किसका वेट कर रहे हो? जल्दी जाओ और ऐसे सुंदर सुंदर बैंगल्स को कन्वर्ट कर दो ऐसे डांडिया गरबा नाइट के लिए। गो गो।